हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एजुकेशन पोर्टल पर। हरियाणा में वैकेंसी निकली है गवर्नमेंट भगत फूल सिंह महिला विश्वविद्यालय खानपुर कला सोनीपत, और इसके जो रीजनल सेंटर्स से है वहाँ पर ये नॉन टीचिंग पोस्ट है। 7/2/2019 तक आप एप्लीकेशन दे सकती हो। ये ऑफलाइन फॉर्म्स आप भर सकती हो। और क्या क्या पोस्ट है उनके नेम दिखा देता हूँ। कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशन एक, लाइब्रेरियन की एक, जनरल की, फाइनेंस ऑफिसर, एग्जीक्यूटिव, जूनियर इंजीनियर और स्टेनोग्राफर, ये सब एक एक पोस्ट हैं। कलर्क की जो मेन इंपॉर्टेंट पोस्ट है वो 13 पोस्ट है कलर्क की इसमें, और 19,900 का 63,200 तक का इसका पे स्केल है। जनरल की 5, एससी की 2, बीसी बी की 2, एक्स सर्विसमैन एससी 1, इसी तरह ये पोस्ट अलग अलग दी है। तो जनरल की 13 है और स्टेनो टाइपिस्ट कम कलर्क इनकी 16 है, लैब अटेंडेंट की 21 है। तो ये तीनों पोस्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट पोस्ट हैं, और भी इसके अंदर बहुत सारी है। हॉस्टल अटेंडेंट की 2 है, बाकी सब एक एक है, ये देख लेना आप ऑफिशियल एडवर्टाइजमेंट में या इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और रीजनल सेंटर की बात करते हैं तो यहाँ भी सब एक एक है। कलर्क की यहाँ 4 पोस्ट है, नंबर 7, और जींद का जो रीजनल सेंटर है वहाँ कलर्क की 4 है। तो कलर्क की बहुत सारी पोस्टें हैं इसमें, इस एडवर्टाइजमेंट में। और क्वालिफिकेशन आपको उन्हीं की बता देता हूँ। कंट्रोलर एग्जामिनेशन के लिए तो काफ़ी हाई है, 15 साल का एक्सपीरियंस भी चाहिए। तो अब देख लेते हैं हम उसका कलर्क का, देखते हैं क्या क्वालिफिकेशन है। और ये है, देखिए कलर्क का है ग्रेजुएशन विद 50% मार्क्स, द कैंडिडेट इज रिक्वायर्ड टू क्वालिफाई द रिटन टेस्ट। तो कलर्क के लिए रिटन टेस्ट होगा और कंप्यूटर टाइपिंग टेस्ट भी होगा, जिसमें 30 से 25 वर्ड, 30 हिंदी और 25 30 इंग्लिश और 25 हिंदी, ये आपकी टाइपिंग स्पीड होनी चाहिए। और 8,000 डेफिनेशंस एमएस वर्ड में 1 घंटे के अंदर आपको ये टेस्ट देना होगा कलर्क के लिए। स्टेनो टाइपिस्ट के लिए फर्स्ट क्लास ग्रेजुएट, और कैंडिडेट विल हैव टू क्वालिफाई स्किल टेस्ट विद 80 वर्ड्स पर मिनट इन इंग्लिश शॉर्ट हैंड। तो आपकी स्पीड 80 की होनी चाहिए शॉर्ट हैंड में, और एबिलिटी टू ट्रांसक्रिप्ट द सेम एज द स्पीड ऑफ, तो और 15 की उसकी ट्रांसक्रिप्ट की होनी चाहिए स्पीड। तो ये है इसका क्वालिफिकेशन स्टेनो का और कलर्क का, ये इम्पोर्टेंट है। और लैब अटेंडेंट के लिए कोई विशेष नहीं है, +2 आप होने चाहिए, और हिंदी और संस्कृत मैट्रिक मैट्रिक स्टैंडर्ड तक आपने पढ़ी हो। हॉस्टल अटेंडेंट के लिए भी 12वीं हो, लेकिन इन पोस्टों के लिए जो प्रेफरेंस है वो गर्ल्स कैंडिडेट को पहले दी जाएगी। सीधा सिलेक्शन होगा, लिस्ट लगेगी, कोई पेपर नहीं होने वाला है सिर्फ कलर्क को छोड़ के। और अगर इन्होंने नीचे एक लाइन में मेंशन जरूर किया है कि अगर पोस्ट नंबर ऑफ पोस्ट ज़्यादा हो जाती है, ये वाला पॉइंट 5 नंबर वाला, कि अगर हो जाती तो जो अथॉरिटी है लेने वाली उनके हाथ में कि वो इंटरव्यू ले, रिटर्न ले, कुछ भी हो, आपका सिलेक्शन किसी भी तरह से वो ले सकते हैं। लेकिन पहली प्रेफरेंस यही है कि सीधा से सिलेक्शन होगा सीधा ही, और गर्ल्स कैंडिडेट को प्रेफरेंस दी जाएगी। हरियाणा डोमिसाइल होना चाहिए कैंडिडेट, अगर रिजर्वेशन का आपको फ़ायदा लेना है। तो फीस की बात करते हैं तो जो बैंक ड्राफ्ट लगेगा 500 रुपये का जनरल कैटेगरी के लिए, और 125 का एससी और बीसी कैंडिडेट के लिए। तो ये है इसमें सभी, आपको मैं बता दी है जो मेन इम्पोर्टेंट। और आपको एप्लीकेशन भरने के साथ में जो डॉक्यूमेंट लगाने हैं वो एक बार देख लीजिए। सभी जो आपके पास क्वालिफिकेशंस है उनके सभी कॉपी लगानी है, और हरियाणा डोमिसाइल या आपका जो कास्ट सर्टिफिकेट है वो लगाना है, पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ ड्यूली साइन बाय द कैंडिडेट, आपको आपसे ही साइन करना है आपने, और ड्यूली साइंड एप्लीकेशन एप्लीकेशन को अभी आपने साइन करना है। ये है बिल्कुल आपको जो डॉक्यूमेंट एप्लीकेशन के साथ में लगाना है, और ये परफॉर्मा दिया गया है ये आपको फिल करके वहाँ पर आपको भेजना होगा। रीजनल ऑफिस में भेज सकते हो, या फिर इस जो मेन कॉलेज है भगत फूल सिंह महिला विश्वविद्यालय, इसमें आप भेज सकते हो। ये परफॉर्मा है, आपको पूरा अच्छी तरह से इसको फिल करना होगा, बैंक ड्राफ्ट के साथ में लगाना होगा, और 7/2/2019 तक आप ये भर सकते हो। ज़्यादा जानकारी के लिए आप यूनिवर्सिटी की वेबसाइट www.bpswomenuniversity.ac.in इस पर जाकर, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, इस सभी के बारे में जानकारी हासिल कर सकते हो। तो अगर आपको इस जॉब में इंटरेस्टेड हो तो आप ये फॉर्म अभी सबमिट करवा दीजिए। धन्यवाद, आपका दिन शुभ रहे, और अगर आप इस चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलें।